हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो अभी बज रहे हैं अराउंड 6:05 और हम लोग का एक प्लान था आई थिंक अराउंड 2 वीक से कि स्टैचू ऑफ यूनिटी चलते हैं करके. यस. तो आज मैं, आयुषी और आयुषी मेरे इन-लॉज चल रहे हैं, तो उनके गाड़ी में जाना है एक्चुअली. तो अभी हम लोग रेडी है, हम लोग ऑलमोस्ट निकल रहे हैं अभी यहाँ से. फर्स्ट डे आज हम लोग इवनिंग में मोस्टली तो स्वामीनारायण टेम्पल है पोइचा में, वहाँ पे स्टे है, वो कवर करेंगे. और कल हमारा मॉर्निंग का बुकिंग है स्टैचू ऑफ यूनिटी का. सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आ गए गुजरात महाराष्ट्र के. तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे. एक होटल आई थिंक काठियावाड़ी होटल, वहाँ पे मॉर्निंग जलाराम काठियावाड़ी, हाँ, तो वहाँ पे मॉर्निंग बुफे लगता है तो ब्रेकफास्ट का. तो देखते हैं वहाँ पे क्या ऑप्शंस है. थोड़ा हैवी नाश्ता करेंगे, फिर डायरेक्टली आई थिंक लंच के लिए रुकेंगे और होटल में चेक इन हो जाएगा. सो अभी पार्किंग से आगे चल के जाते हैं, देखते हैं. काफ़ी अच्छा बड़ा पार्किंग था वैसे, और भीड़ आई थिंक है, बट फिर भी पार्किंग के लिए एम्पल स्पेस है यहाँ पे. सो अभी पार्किंग से आगे चल के आ गए हम लोग. यहाँ पे काफ़ी सारे गिफ्ट शॉप्स वगैरह दिख रहे हैं, सीटिंग एरिया है, एसी सेक्शन है, और सामने आइसक्रीम का शॉप दिख रहा है. लेट्स सी, बाद में खाना खाने के बाद एक आइसक्रीम हो जाए. खाना वगैरह हो गया अभी, अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट किया हमने और फाइनली आ गए आइसक्रीम शॉप पे. जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे रोल्ड आइसक्रीम मिल रहा है, भैया आइसक्रीम बना रहे अभी, देखते हैं. सो आइसक्रीम अच्छे से चॉप हो चुका है और अभी भैया कर रहे हैं स्प्रेड, उसको फिर रोल करेंगे. और मुझे वैसे रोल्ड आइसक्रीम खा के काफ़ी समय हो गया. मैं लास्ट टाइम जब बैंगलोर में था, आई थिंक 4-5 साल पहले, तभी मैंने रोल्ड आइसक्रीम ट्राई किया था. तो अभी मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए. लेट्स सी. तो आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी था वैसे, और खाना भी अच्छा था. जलाराम काठियावाड़ी है ऑन द वे टू गुजरात, तो आप भी अगर कभी रुके तो डेफिनेटली, आपको अगर टाइम मिले तो रुक लेना वहाँ पे. और आयुषी को थोड़ा नींद आ रही है तो उसको सोने देते. अभी हम लोग एक अराउंड आई थिंक 2 आवर्स बाकी है हम लोग जहाँ जा रहे हैं. तो हम लोग स्वामीनारायण मंदिर जा रहे हैं जो पोइचा गुजरात में. तो अभी हम लोग ने एक हॉल्ट लिया है सुबह जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ से एक अराउंड हम लोग ने 3 आवर्स का ट्रैवल कर लिया है. अभी एक 2 आवर्स का ट्रैवल बाकी है. सो अभी एक क्विक अपडेट, अभी ऑलमोस्ट बज गए 3 और हम लोग अभी पोइचा पहुँचने वाले. वैसे रोड कंडीशंस अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छे रोड्स है यहाँ पे. काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स भी है, एक एवरी 1-1.5-2 किलोमीटर्स पे एक पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा. तो वैसे अभी सामने एंट्रेंस दिख रहा है हमको यहाँ से, तो थोड़ा आगे चलते हैं. हम लोग ने ऑन द वे वैसे लंच वगैरह ऑलरेडी कर लिया है और अभी हम लोग डेस्टिनेशन पहुँच गए. आप एंट्रेंस देख सकते हो यहाँ से, यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक राइट है, फिर वहाँ से उनका एक्चुअल कंपाउंड स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आ गया है वो राइट जो मैं बता रहा था, ये है उनका कंपाउंड का एक्चुअल एंट्रेंस. सो यहाँ पे कुछ एंट्री टिकट वगैरह तो नहीं था वैसे एंट्रेंस पे, यहाँ पे आगे पता नहीं, मे बी पार्किंग यहाँ पे कुछ हो, तो देखते हैं आगे चल के. काफ़ी वेल मेंटेन्ड है यहाँ पे, रोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं ही वैसे, और अंदर गार्डन वगैरह भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया उन्होंने. सो अभी ऑलमोस्ट हम लोग पार्किंग के यहाँ पे पहुँच गए और आई थिंक सामने ही लेफ्ट साइड पे पार्किंग है. नहीं, आई थिंक ये वाला लेफ्ट साइड वाला पार्किंग नहीं है. वो एक्चुअली स्पेयर पार्किंग का बोर्ड था, इनकेस अगर मेन पार्किंग फुल हो जाती है तो वो वाला यूटिलाइज़ करते हैं वो लोग. तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आगे ही जाने के लिए आई थिंक स्ट्रेट जाके
एंड में आई थिंक एंट्रेंस होगा पार्किंग का, लेट्स सी। हाँ यहाँ पे पार्किंग दिख रहा है, आई थिंक ये वाला ही मेन पार्किंग है। ओके तो आई थिंक ये वाला स्ट्रेट जाके फिर वहाँ पे आई थिंक काउंटर होना चाहिए पार्किंग के लिए, लेट्स सी। और लेफ्ट साइड पे अभी देख सकते हो ये है एक्चुअल मंदिर का एंट्रेंस, स्वामीनारायण टेम्पल का। वैसे हम लोग अभी चेक इन करके थोड़ा फ्रेश होके वापस आके देखते हैं, आपको आगे का पूरा अपडेट्स देंगे। अभी पहले तो चेक इन कर लेते हैं रूम में। सामने स्टे भी आ गया अभी, ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से। सो इसका बुकिंग हम लोग ने एक्चुअली ऑनलाइन ही किया था, नीलकंठ धाम ऑर्गेनाइजेशन पोइचा का वेबसाइट है, वहाँ पे प्रेफरेबल है आप एक दो मंथ्स पहले ही आके बुकिंग कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि बाद में वहाँ पे ऑफलाइन तो एनीवे वो लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ही फुल हो जाता है उनका। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो अभी हो रहे हैं 5:20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग एक्चुअली में स्वामीनारायण टेम्पल के गेस्ट हाउस में पोइचा में, जहाँ पे हाँ, तो हम लोग आफ्टरनून में आई थिंक अराउंड 3 o'clock पहुँच गए थे। बीच में हमने आई थिंक अराउंड एक डेढ़ बजे लंच कर लिया था, तो उसके बाद यहाँ 3 बजे पहुँच के थोड़ा सा रेस्ट किया। हम लोग ने चेक इन किया एक अराउंड 3:15 बजे, फिर थोड़ा रेस्ट करके हाफ एन आवर फ्रेश होके फिर अभी 5:20 हो रहा है। तो यहाँ से अभी थोड़ा मंदिर का एरिया एक्सप्लोर करते हैं हम लोग ने ऑन द वे। आपको आपने एनीवे काफ़ी सारे सीन्स देखे होंगे वहाँ पे, थोड़ा आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो ठीक है देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं आगे। सो यहाँ पे स्टे का लॉबी था, फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। सो यहाँ पे स्टे जो है ना, वहाँ पे पासेस देते हैं एग्जिट और एंट्री के लिए। ये रिसेप्शन का एरिया, यहाँ पे मोस्टली आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करके आओगे तो आपको अच्छा पड़ेगा रूम्स वगैरह। यहाँ पे आप रूम के रेट्स देख सकते हो। इट इज़ प्रेफर्ड यू बुक इट ऑनलाइन। वी एक्चुअली बुक इट ऑनलाइन आई थिंक अबाउट 7 to 8 days बैक आई थिंक। यूजअली रूम्स गेट सोल्ड आउट प्रिटी फास्ट हियर बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड स्टे। द ओनली गुड थिंग हियर इज दैट इट्स जस्ट बिसाइड द टेम्पल, सो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू रोम अराउंड एंड बी बैक एट योर स्टे at whatever time it's suitable for you. So this is the parking and this is the stay. It's I have actually never seen anything that is this well maintained. Everything is so clean, the parking is so good. So let's explore furthermore. तो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं अभी। यहाँ पे पार्किंग का 50 rupees चार्जेस है। सो हमारा तो एनीवे कल सुबह चेकआउट हो जाएगा 9 बजे। यहाँ पे चेक इन टाइम एक मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके सॉरी 11 o'clock टू नाइट 10 PM तक चेक इन कर सकते हो आप, और मॉर्निंग में 9 बजे चेकआउट हो जाता है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा है सनसेट का। सच बताया ना आपको तो इंडिया में एक्चुअल में काफ़ी कुछ अच्छा है घूमने के लिए, जस्ट हैव टू एक्सप्लोर दैट इज ऑल। सो वहाँ पे मेन मंदिर, वहाँ पे थोड़ा डिटोर है तो ऐसा वॉक करके थोड़ा जाना है वहाँ तक। चलते चलते मैं आपको तब तक रूम्स का रेट्स वगैरह बता देता हूँ। आपने एनीवे देख लिया होगा, मैंने रिसेप्शन पे जो बोर्ड था वो बताया तो था। तो हमने तो एनीवे क्लाइमेट थोड़ा ठंडा ही है अभी, वैसे भी दिसंबर का टाइम है, तो हमने नॉन एसी रूम ही बुक किया था और वैसे भी एक ही दिन का स्टे है। कल सुबह हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकलेंगे यहाँ से एक अराउंड 8 बजे। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर एक ही दिन रहना है तो एसी रूम लेके वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ तो होगा नहीं। सो आई गेस यहाँ से एग्ज़िट है पार्किंग से।
ये है एक्चुअल मंदिर का कैंपस। यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में देखते हैं पहले क्या है। सो राइट साइड में तो मुझे मंदिर दिख रहा है जहाँ पे हम लोग फाइनल एकदम एंड में जाएंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी दिख रहे हैं, काफी अच्छी मूर्ति है। मूर्ति के लेफ्ट साइड पे तो हमें कुछ लोकल शॉप्स दिख रहे हैं। आई थिंक मोस्टली तो ज्वेलरी वगैरह है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। वहाँ पे एक टॉय स्टोर भी है, काफी लोग हैंग आउट कर रहे हैं अभी इवनिंग में। सो एंट्री के लेफ्ट साइड पे तो आपने देखा कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। अभी राइट साइड में अगर हम कवर करने जाएंगे तो भगवान राम की मूर्ति है यहाँ पे, उसका भी आर्किटेक्चर काफी सिमिलर है। फाउंटेन है ऑल अराउंड। सो अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी मुझे काफी स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, देखते हैं आगे जाके। यहाँ पे काफी अच्छा मेंटेन्ड है, सारी ग्रीनरी अगर आप देख सकते हो। आई थिंक इट इज मेंटेन्ड ऑन डेली बेसिस। यहाँ पे जो स्कल्पचर है वो आपको पता होगा, आपने डेफिनेटली बचपन में कार्टून्स में देखा होगा, कालिया नाग जिन्होंने यमुना नदी का पानी पोल्यूट कर दिया था। तो फिर श्री कृष्ण जी ने और उनके फ्रेंड्स को आई थिंक कालिया नाग ने पकड़ लिया था। तो आपको आई थिंक आगे का स्टोरी पता ही होगा, श्री कृष्ण जी ने सबको बचा लिया और फिर कालिया नाग को हरा दिया था। तो उसी का स्कल्पचर है यहाँ पे, काफी अच्छा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे और डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था वहाँ पे काफी सारे शॉप्स दिख रहे हैं, मोस्टली लोकल स्टोर्स टाइप। अगर आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ये आई थिंक है वृंदावन जहाँ पे कृष्णा जी बांसुरी बजाते थे और रासलीला होती थी। वहाँ पे बलराम जी है, उनके दोस्त है। थोड़ा अंदर से व्यू देखते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था रात को जब ही लाइट्स ऑन होते तभी आने का, ऑल द वहाँ के शॉट्स भी हम लोग डेफिनेटली लेंगे, बट हमने सोचा थोड़ा दिन के उजाले में, ऑल द सनसेट होने वाला अभी थोड़ी देर में, बट इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा लाइट रहेगा तो अच्छे शॉट्स मिलते हैं, तो आपको देखने भी मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ साइड पे भगवान शंकर जी का नटराज अवतार की मूर्ति है, इसको यहाँ पे नटराज फाउंटेन करके नाम दिया है इन्होंने। एक डोर का नाम है सहनदास द्वार। यहाँ पे आई थिंक चप्पल उतार के जाना है अंदर, हम लोग एक साइड में चप्पल रख देते हैं यहाँ से फिर अंदर चलते हैं। सो हम लोग ने गेट से मेन गेट से एंटर करने के बाद राइट साइड का पूरा कवर कर लिया, जितने स्कल्पचर्स वगैरह सब थे वो आपने डेफिनेटली देख लिए होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बैक साइड पे आई थिंक एक अलग सेक्शन बना है, वहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या है अंदर जाके। हम लोग भी धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या है, कैसे कहाँ पे जाना है, हम लोग को भी कुछ आइडिया नहीं है। सो धीरे धीरे हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे वैसे आपको बताते भी जा रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ आइडिया मिल रहा है वैसे। यहाँ पे कुछ मे बी कुछ रेफरेंस नहीं है कहाँ पे कैसे जाना है, आप बस चलते जाओ आपको पता चल जाएगा। सो ये कंपाउंड में चारों एंड पे एक मंदिर है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, एज सून एज वी एंटर ऑन द राइट देयर इज अनदर वन। There is another one on the
डायगनल एंड एंड दिस इज द लास्ट वन। सो अभी शाम को स्वामीनारायण जी के आरती का समय हो गया था और हमें आरती भी मिली, आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ से। तो वहाँ पे अभी आपने देखा जैसे आरती चल रही है, रथ यात्रा पे आरती निकाली गई है स्वामीनारायण जी की। अभी नीलकंठ जी का रथ यात्रा निकाली गई आरती होने के बाद। यहाँ पे अभी लाइटिंग ऑन हो चुका है काफी, एक्चुअली वीकेंड है तो काफी ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह लाइटिंग करी गई है। तो ये है मेन मंदिर। मेन मंदिर के गोल है ना, काफी सारे मंदिर है तो हम लोग लेफ्ट साइड से कवर करते हैं एक एक कर।
आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस दिख गए होंगे लाइटिंग ऑन होने के बाद कैसे कैसे है। अभी हम लोग मेन मंदिर में स्वामीनारायण जी के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ हमारा और हमने डिनर कर लिया है। अभी ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।